गाइस ये है लक्की और लक्की की उम्र अभी 20 साल है। लक्की लगभग 2-3 साल से इस बुग्याल में अकेला ही रहता है इतनी छोटी उम्र में। और लक्की अब चाह रहा है कि अब बुग्यालों को छोड़ के अब कुछ समय पढ़ाई लिखाई को दूं। तो लक्की के आगे के क्या प्लान है तो खुद लक्की ने वो भी शेयर किए हैं। बरसात के दिनों में लक्की के साथ उनकी पड़ोसी उनकी ताई भी यहाँ पे रहती हैं। भाग या भालू ने एक गाय या बैल पता नहीं क्या है वो मार दी है ऊपर। कहाँ पे? सामने लक्की के बड़े बड़े खेत हैं और उनमें खूब सब्जियां बोई हैं, तो उसकी रखवाली ये डॉग करता है। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन खलपटिया व्लॉग्स। तो अभी मैं निकल रहा हूँ लक्की के साथ लक्की वाले बुग्याल में। लक्की वाले बुग्याल में जाने से पहले एक हरे मैदान में देख सकते हैं गायें चर रही हैं घास। तो लक्की सबसे पहले फेस वॉश करेगा यहाँ पे अपने नेचुरल पानी की धारा से। ये क्या कर रहा भाई, इतना ठंडा पानी सर पे सुबह सुबह नहीं डालते? लक्की की एक आदत बड़ी ही खराब है, जहाँ पे पानी का धारा देखता सीधा सर लगा देता है। सब चलता ना पहाड़ों में। लक्की वाले बुग्याल में जाने से पहले आज का वेदर देखते हैं। एक दो दिन से वैसे आजकल लक्की गांव आया था और आज सुबह प्लान ना लक्की का अपने बुग्याल में जाने के लिए, और मैंने भी प्लान किया लक्की के साथ लक्की वाले बुग्याल के लिए। तो गाइस एक खुशखबरी है आज आपको बताना चाहूँ तो गुड न्यूज। मेरा आज प्लान था वैसे डांगो बुग्याल जाने का, लेकिन अचानक से मेरे घर से ही लक्की आया और लक्की बोल रहा था कि अर्जुन भाई मैं आगे की पढ़ाई करना चाह रहा हूँ और बुग्यालों में अब नहीं रहना चाहता। इस टाइम पर जो लक्की का जो भाई है बड़ा है ना तेरे से, तो वो घर आ गया है बुग्यालों को अब वो देखने वाला है। तो लक्की चाह रहा है कि अब लक्की क्या करे, पढ़ाई कर रहा हूँ। अब लक्की चाह रहा है कि वो पढ़ाई करे अब आगे की। कहाँ तक पहुँची थी पढ़ाई? 12 पास कर दिया जी। 12 पास कर दिया था। थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है मुझे और अर्जुन भाई मेरे साथ है। बिल्कुल भाई, तो मैं अब लक्की का पूरा साथ देने वाला हूँ। और यार मेरे से आप में से कई लोगों से अगर किसी में एक अच्छा मैसेज आता है ना तो बहुत अच्छी बात है। लक्की भी अब समझ गया है कि यार बुग्यालों में देखो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 महीने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर इतनी कठिनाइयों में बिना लाइट के, बिना इंटरनेट के और बिना कॉलिंग वाले नेटवर्क के इस जगह जीवन यापन करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो लक्की कैसे आए मैसेज कि यार अब मैं आगे की पढ़ाई करूं? बहुत सारे लोगों ने बोला मेरे को अभी तेरी जवानी उम्र क्या है बच्चों के साथ, तो बोला ठीक है करते था पढ़ाई में। अच्छा क्या बात है, आगे बढ़ना चाहता। तो लक्की को आगे के लिए शुभकामनाएं मेरे तरफ से और आप भी कमेंट करके दे सकते हैं। तो घना जंगल लग गया है, बाकी बढ़िया है, लक्की अब समझदार होने लग गया है। और पहले भी ठीक था, किसी का नौकर नहीं बने तो खुद का अपना बिजनेस होना चाहिए और आप खुद के मालिक बनो, लेकिन लक्की चाह रहा कि यार अब मैं थोड़ा सा पढ़ाई और कर लूं आगे को। तो अब शादी का क्या है प्लान? पहले तो बोला था कि अब 1-8 सालों में शादी कर लूंगा, अभी थोड़ा पढ़ाई करता हूं तो इसके बाद देखता हूं शादी के लिए। अच्छा भाई, अचानक से लक्की पूरा चेंज हो गया है। लक्की बता रहा है भाई पहले पढ़ लेता हूं और गर्लफ्रेंड जो थी वो तो गई, ब्रेकअप हो गया, अभी कहां लाता हूं उसको। हां ब्रेकअप हो गया तो हो गया। अच्छा देखता हूं कोई पढ़ी लिखी लड़की। अच्छा पढ़ाऊ। अच्छा इसीलिए पढ़ना पड़ रहा। क्या बात है, इस जीवन में सबसे जरूरी है पहले तो शिक्षा। बहुत सारे लोगों ने सुनाया, गांव वालों ने भी सुनाया, और मैं तो कब से चाह रहा था कि लक्की पढ़े कुछ बने। जोंक भी लगने शुरू हो गए हैं, एक के साथ एक फ्री लग जा रहा है यहाँ पे। तो लक्की वाले बुग्याल में एंट्री कर दी है और मुझे लगता है कि लक्की आज आ जाएगा नीचे को। हाँ। इस बुग्याल को बाय करके। हाँ। फिर उसके बाद कैसे होगा यहाँ पे आना? हफ्ते हफ्ते में आऊंगा, हफ्ते हफ्ते में देखने के लिए। छोड़ भी नहीं सकता, यहाँ बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बचपन से रहता हूँ। हाँ, देख सकते हैं आप इतना प्यार करता है इन वादियों से लक्की। तो लक्की के बुग्याल में पहुँच गए हैं और देखते हैं अभी कौन होगा घर पे। ताई लोगों ने खोल दी गाय। अच्छा ताई लोगों ने गाय खोल दे होंगे। हाँ। अच्छा कल से भाई आएगा, कल से फिर लक्की का जो बड़ा भाई है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये देखो सामने घास है, घास की खेती, यहाँ तो घास की खेती भी होती है, खूब उगाना पड़ता है। तो यहाँ गायों को अलग अलग प्रकार की घास देनी होती है। सामने देखो मेरा घर मकान, ये लक्की का घर है, बुग्यालों वाला जो घर है लक्की का, ये सामने है। और मौसम बिल्कुल सुहाना है आज यार, बिल्कुल मजा आ गया मौसम को देख के आज। ये देखो मेरा कुत्ता आ गया बाहर धूप सेकने के लिए, धूप सेकने के लिए। इतने खूबसूरत से बुग्याल में स्वागत है आपका। ये स्वर्ग जाने से पहले पड़ाव है और जो स्वर्ग है वो तो डांगो बुग्याल है। और स्वर्ग में जाने के लिए तो मेरे गांव से 6-7 घंटे लगते हैं। तो लक्की वाले बुग्याल में स्वागत है आपका।
लक्की भी पहुंच गया है फाइनली अपने भुग्याल में। बाकी लक्की की जो ताई है यहाँ पे, वो सुबह गाय खोल देते हैं और शाम को बांध भी देते हैं, और इनका जो डॉग है उनको भी जो खाना है वो उनकी ताई खिलाते हैं। ये रहा लक्की का डॉग। सामने सामने लक्की के बड़े बड़े खेत हैं और उनमें खूब सब्जियां बोई हैं, तो उसकी रखवाली ये डॉग करता है। डॉग का नाम क्या है, मैं भूल गया यार। कालू। कालू। हाय कालू। हाय कालू। हाय। इसने कभी गांव देखा होगा? बचपन से इधर ही रहता है ना ये। कभी गांव देखा ही नहीं? नहीं। ओ माय गॉड, कभी दुनिया देखी नहीं यार कालू ने। बाघ वालों से भी लड़ता है ये। अच्छा, इतनी क्षमता तो है इसमें। अच्छा, तो लक्की बता रहा है अभी गोबर निकालना होता पहले तो यहाँ पे। ये है इनका गौशाला जहाँ पे इनकी गाय रहती है। तो ये है डोका, और गढ़वाली में इसको बोलते हैं शोल्टी। तो लक्की इसी में उठाएगा। कैच। कितने गाय रहते हैं यहाँ पे? दस। दस गाय रहते हैं। दूध देने वाले कितने हैं? अभी तो दो हैं। अच्छा, दो हैं। ब्याने वाली हैं कोई? ब्याने वाले तीन हैं। हैं? साफ सफाई तो डेली करनी होती होगी। हाँ, सुबह सुबह। अच्छा, कैसा भी काम हो फटाफट कर देता हूँ। अच्छा। नहीं, लोगों को तो बदबू लगती ना। अच्छा, गोबर की बदबू लगती है। मैं तो आदत है ना बचपन से। ये क्या है भाई? बकरी का ऊन। बकरी का ऊन है इस कट्टे में? इसको सुखाना था। हाँ। उसके बाद एक कोट बनानी है। अच्छा, कोट भी बना रहे हैं? मैं नहीं बनाता है ना, हाँ दूंगा किसी के पास दो के बनाने के लिए। तो ये है बकरी का ऊन। और भुग्यालों में तो जो भेड़ पालक और चरवाहे रहते हैं ना, वो बकरी के ऊन से कपड़े बनाते हैं, जैसे कि कोट, जो हम यहाँ लोकल में बखुल बोलते हैं। चले एक घूंट चाय पीते हैं ना। यार इतना गर्म हो रहा है, अभी रहने दे, फिर कभी पियेंगे। इतना गर्म हो रहा है यार, चाय कौन पिए अभी। अच्छा, मोनडाड़ कहते हैं इसको यहाँ लोकल में। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि आप किस जगह से हैं और आपके साइड में से क्या कहते हैं। लक्की वाले घर से अब हम आ गए हैं लक्की के बगल वाले घर पे। यहाँ पे ताई लोग रहते हैं। नमस्ते ठुलीजा, और ठीक है आप? साफ सफाई चल रही है, ये देख सकते हैं। सुबह से ही काम स्टार्ट हो जाता है। और आजकल ही ताई का एक गाय भी ब्याई है, देख सकते हैं। ये छोटा बछड़ा आप देख सकते हैं। तो ठुलीजा जी भी लगे हैं अपने गौशाले में साफ सफाई करने में, और ये गोबर और कुछ पत्तियां उठानी होती हैं डेली का। तो यहाँ पे मैं ताई को घी का ऑर्डर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है घी त्योहार। तो उस त्योहार के लिए सब लोगों का डिमांड पहुंच गया है ताई के पास कि घी बनाना है। तो गाइज, यहाँ पर ताई बता रहे हैं कि अगल बगल में बाघ या भालू ने एक गाय या बैल, पता नहीं क्या है, वो मार दी है ऊपर। कहाँ पे? ऊपर। कितने दिन पुरानी बात है ये? दो तीन दिन हो गए। कैसे पता चला वहाँ पे? अच्छा, आपने खुद देखा? वो बाप रे। तो जल्दी से देख के आते हैं किसी का गाय है या फिर बैल है। बालू ने मारा या बाघ ने मारा है? हाँ। देखिए, मंदिर के बगल पे है। चलो, एक टीन सेट है। टीन सेट के सामने। हाँ। चलते रहो। तो लक्की को तो पूरा पता हुआ यहाँ का। लक्की के साथ चलते हैं पीछे पीछे। हर जगह भैंसिया खाल बनाए है। लक्की, ये मंदिर कौन से भगवान का? यहाँ पे ये दादाजी का है। दादाजी का।
देवभूमि उत्तराखंड में जितने हम देवी देवताओं को मानते हैं उतना ही अपने पितरों को भी मानते हैं। गाइस अब लग गया है एकदम घना जंगल। यहाँ पर बता रहे हैं गाय या फिर है बैल, बाघ और भालू में से किसी ने उसको मार दिया है, पता नहीं किसका हो गया है। गांव वालों के भी आते हैं यहाँ को और तो देखने के लिए जा रहे हैं लक्की और मैं। सामने मंदिर है तो माथा टेक के आते हैं और ये देवभूमि उत्तराखंड है, कण कण में देवी देवताओं का वास। तो मंदिर के सामने ये कांड हुआ मुझे लगता है और लक्की यहाँ ध्यान से देख रहा है और ऐसा भी हो सकता है उसमें कई जंगली जानवर भी लग रहे होंगे उसका मांस खाने के लिए, तो एकदम नहीं जा सकते हम। और ये काले वाले मशरूम भी देख सकते हैं आप, ये काले वाले मशरूम। बदबू आने लग गई है इसीलिए हल्ला गुल्ला करते जाएंगे। तो मंदिर है सामने, चल। किस साइड होगा? बदबू तो आ रही है लेकिन पता नहीं चल रहा कि कहां से आ रही। उस साइड। एक तो हाथ में कुछ हथियार भी ना ले हम, दराती या फिर बढ़ियास अपनी सुरक्षा के लिए। भाई बदबू आ रही है यार, मेरी बस की नहीं है वहां पे। अच्छा बैल है, मेरी बस की नहीं है भाई यहाँ पे, इतनी बदबू आ रही है, मेरे से नहीं होगा यहाँ पे मैनेज। मैं नहीं आ रहा हूँ, बहुत बदबू आ रही है और इतने मक्खियां लगी हैं इसमें। बैल है किसी का, एक हफ्ता से सड़ गया वो, एक हफ्ता हो गया उसको, एक हफ्ता करीबन हो गया उसे, पूरा सड़ गया। संकेत क्या लग रहा है कि बाघ ने मारा होगा या भालू या जंगली जानवर और किसी ने? बाघ ने, बाघ ने गला पूरा फाड़ खा ना उसका। बदबू आ रही बहुत। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लकड़ियों के छिलके सुखाने के लिए रखे हैं। ये मैंने लाए अर्जुन भाई के लिए, बड़े बड़े लगे हैं। खाना जो पकता ही नहीं लकड़ियों में पकता है। इंसान यहाँ पर हमेशा व्यस्त रहता है और छोटी छोटी बीमारियां तो असर भी नहीं करती यहाँ पे। सर्दी जुकाम बुखार ये तो भाई पता ही नहीं चलता कि कोई बीमारी होती है इस नाम की। चलो भाई बिल्कुल चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोबाइल रखा है, गलती से अगर सिग्नल आ गए तो किसी का कॉल आ जाएगा, नहीं तो नहीं आते नेटवर्क यहाँ पे। तो यहाँ पे फोन रखा है देख सकते हैं और ताई जी भी काम कर रहे हैं तो निकलते हैं हम यहाँ से। के नाम दे रखो, नाम क्या रखा इसका? बिनू। हाँ। लड़का है लड़की है? लड़का है। बोलो लड़की लड़का एक समान? हाँ। लड़की लड़का एक समान। तो चलते हैं अब घर के लिए। और कुछ टाइम पहले मैं इस बुग्याल में रुका था, आज से 2-3 दिन पहले, ताई लोगों के साथ। यहाँ से मैं जाते हुए निगाल लेके जा रहा हूँ, जल्दी कर बारिश हो जाएगी। चलो दोस्तों अब बुग्यालों को भाई कहते हैं, हफ्ते हफ्ते में आते रहूंगा ना इधर। अच्छा मेरी ड्यूटी खत्म, भाई आएगा। और जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूंगा लक्की अब ब्लॉग भी बनाएगा, जल्द बनाएगा ना ब्लॉग? मुझे शौक नहीं है। लक्की बता रहा कि शौक नहीं है, इतने लोग जानते हैं अब तो। यार मुझे शौक नहीं है। हाँ, शौक ही नहीं है तो तेरी मर्जी भाई। मैं तो चाह रहा हूँ अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए चैनल कर दूं अच्छा सा और उसमें तू डेली का ब्लॉग बनाए, अपनी लाइफस्टाइल दिखाए लोगों को, पढ़ाई के साथ साथ भी। इतना नहीं कि प्रॉपर उसे नहीं देना टाइम, पढ़ाई भी करनी है और कुछ टाइम जब फ्री रहते हैं उस टाइम पर अपना एडिट वगैरह कर लेना है और ब्लॉग भी बना लेना है। ब्लॉगर बनना सबकी बस की बात नहीं है अर्जुन भाई। हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं ना भाई, हम तो बहुत दुर्गम क्षेत्र से हैं, यहाँ पे ना प्रॉपर लाइट रहती है ना नेटवर्क रहते हैं, मतलब हमें ब्लॉग अपलोड करने के लिए ना 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना होता है तब हम ब्लॉग अपलोड करते हैं। उसमें भी मैं डेली ब्लॉग बनाता हूँ, आप समझ सकते हैं कि कितनी बिजी लाइफ है मेरी। चलो भैया चलते हैं अब बारिश आने से पहले, और लक्की के लिए जल्द एक चैनल बनाऊंगा मैं, ठीक है? भले कम करना उसमें काम, कभी कभी हफ्ते में एक आध वीडियो देना। किस नाम से बनाएंगे? लक्की के ब्लॉग्स बनाएंगे या लक्की सिंह खलपटिया बनाएंगे या क्या बनाएंगे? लक्की सिंह खलपटिया। लक्की का चैनल भी बनेगा लक्की सिंह खलपटिया के या लक्की खलपटिया के नाम से? पहले तो दोस्तों अर्जुन भाई को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अर्जुन भाई आगे बढ़ गए तो मैं बढ़ जाऊंगा आगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते हैं, बुग्यालों की लाइफस्टाइल, पहाड़ों दूर क्षेत्रों में जो गाँव है
ग्रामीण जीवन आपको पसंद आते हैं तो भाई लाइक कर देना, जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। चलो बाकी चलते हैं अब घर। ओ भाई आराम से। और कितने लंबे लंबे रिंगाले देख सकते हैं आप, और इन्हीं रिंगालों की टोकरियां, मोस्टे, डोकार, डेलियां सब इन्हीं से बनती हैं। तो लक्की वाले बुग्याल से जाते जाते बाय करते करते हम एक गाना करेंगे साथ में, ठीक है लक्की? हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। अर्जुन भाई एक जोड़ सुनाता आप। बिल्कुल भाई। हे मिन काटो बाजो धारे मा, ये मेरे पराणी रेगो रात इंगाले मा। हाँ हाँ क्या बात है, तो लक्की बता रहा है अपने बुग्याल को मिस कर रहा है इस जोड़ में, तो जाते जाते झोला चाची करते हैं। ओ गैल गाड़ा पीना वे लगा दे, ओ म्यारा बिना पीना वे लगा दे, न्यूनी न्यून पीना वे लगा दे, ओ म्यारा बिना पीना वे लगा दे। गाइस सामने आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं नहाती हुई भैंस को आज पहली बार व्लॉग में देख सकते हैं। ओ भैंस महाराज मजा आ रहा, अरे ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। डिस्टर्ब के लिए माफी चाहूंगा, आप आराम से एंजॉय करो, मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और आप यहीं बुग्याल में रहो, फिर मिलते हैं कल, ठीक है? बाय बाय। और आप लोगों से भी इजाजत लेते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस टाइप के ब्लॉग देखने के लिए बने रहना अर्जुन कलपेटिया ब्लॉग के साथ। बाकी बात आती है वीडियो को लाइक कमेंट करने की और शेयर करने की, वो आप अपने स्तर से कर देना। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए सहित धन्यवाद, बाय बाय।